इस वीडियो में हम बात करेंगे झूठ क्या होता है और सच क्या होता है। तो झूठ है सबसे ताकतवर कौन है, अगर झूठ है या सच है इन दोनों में से सबसे ताकतवर कौन है इसकी अगर हम बात करें तो सच हमारा जो है वो दवाई जैसा होता है, स्टार्टिंग में हमें कड़वा लगता है लेकिन अंत में उसका फल है वो हमें मिठाई मिलने वाला है। झूठ कितना भी छुपा लो, जिंदगी में झूठ छुपता नहीं है, अंत में जो झूठ है वो सामने आ ही जाता है, इसलिए हमेशा सच बोलने की कोशिश हमें करनी चाहिए। हो सकता है कि झूठ जब हम बोलते हैं तो स्टार्टिंग में हमें झूठ बोलना अच्छा लगे लेकिन अंत में हमारा जो झूठ है वो पता चल ही जाता है, इसलिए हमेशा सच बोलने की कोशिश करें और सच की ही जीत होती है ऐसा माना जाता है। तो झूठ जो है हमारा वर्तमान है, अगर हम सच की बात करें तो सच हमारा भविष्य है जिससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है, तो हमें सच का सामना हमेशा करना चाहिए। झूठ सपना है तो सच हमारा हकीकत है। जिंदगी की रेस में भले ही झूठ स्टार्टिंग में आगे हो, शुरुआत में हो सकता है कि जो झूठ है वो आगे हो सकती है लेकिन आखिर में जीत है वो सच्चाई की होती है। झूठ आपका डरावना होता है, भयंकर होता है, चिंताओं से भरा हुआ होता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो उसके परिणाम को लेकर के चिंतित रहते हैं लेकिन सच है वो खुशी देने वाला और चिंता मुक्त है कि आप सच बोल करके आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। झूठ आपकी परछाई है तो सच हमारा आईना है, तो इन दोनों में से आपको तय करना है कि आपको कौन सा चुनना है। झूठ कमज़ोर होता है क्योंकि अंत में वह हार जाता है। पहचान भले ही झूठ की हो लेकिन एक मिसाल तो हमारा सच ही बनाता है, सच पे ही दुनिया टिकी हुई है। अपने जीव को, अपना जो जीवन है, अपने जीवन को वीडियो गेम की तरह मत खेलो, जो भी आए खेल के चला जाइए। मान लीजिए कि भले ही झूठ का हो, आपका मान सम्मान है, हो सकता है स्टार्टिंग में भले ही झूठ का हो पर जो सम्मान है, मान और सम्मान में इतना ही अंतर है जितना झूठ और सच में अंतर होता है। मान हो सकता है कि झूठ बोलने वाले का हो लेकिन सम्मान हमेशा उसी का होगा जो सच बोलने वाला होगा, जो सच होगा उसी का सम्मान होता है। झूठ का हो सकता है कि मान हो सकता है। अब आपको तय करना है कि आपको किसका साथ देना है, सच का साथ देना है या फिर आपको झूठ